ब्रह्मा जी ने केवल कल की कथा में सुनाया था, बाई जंगा से मनु को पैदा किया, दाई जंगा से मनु को पैदा किया और उल्टी जंगा से सतरूपा को पैदा किया, और मनु सतरूपा का विवाह करा करके उन्हें पृथ्वी पर भेजकर मैथुनी सृष्टि पैदा करने का आदेश दे दिया। इसलिए पहला इस त्रिलोकी का, संसार का, सृष्टि का सबसे पहला अगर कोई पुरुष पैदा हुआ है तो उसका नाम है मनु। और सृष्टि में सबसे पहली कोई नारी पैदा हुई है तो उसका नाम है सतरूपा। बात समझ गए? मनु की सतरूपा के गर्भ से पहले पांच संतान हुई थी, हमने बताया था। प्रियव्रत उत्तान पाद दो बेटे पैदा हुए, आकूति देवहूति और प्रसूति, तीन बेटियां पैदा हुई जिनका विवरण श्रीमद् भागवत महापुराण में बहुत अच्छा दिया है। ध्यान देना, इन पांच संतानों को पैदा करके ब्रह्मा जी के द्वारा जो मानस सृष्टि से ऋषि प्रकट किए उनके साथ में इन देवियों का विवाह हुआ और आखिरी बेटी प्रसूति का दक्ष के साथ में हुआ। महाराज दक्ष ने शुरू में 60 बेटियों को पैदा किया। कितनी बेटियों को पैदा की? 60। उन 60 बेटियों में से 13 बेटियों का विवाह सूर्य के पुत्र यमराज के साथ में किया। 13 बेटियों की शादी सूर्य पुत्र यमराज के साथ में। यमराज और धर्मराज दोनों अलग नहीं है, एक है। जब किसी दुष्ट आत्मा को दंड देना होता है तो वो यम का रूप धारण करते हैं, और किसी धर्मात्मा को उसके किए धर्म कर्म का फल देना हो तो वह धर्मराज बन जाते हैं। ध्यान देना, इसलिए महाराजा दक्ष ने 60 बेटियों में 13 बेटियों का यमराज के साथ में, धर्मराज के साथ में विवाह किया और 10 बेटियों की शादी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कश्यप के द्वारा। कश्यप से महाराजा दक्ष की 10 बेटियों का विवाह हुआ। इन्हीं कश्यप जी के 10 पत्नियों से देवता पैदा हुए। धन्यना, इन्हीं कश्यप जी की 10 बेटियों में से 10 पत्नियों में से एक पत्नी से देवता पैदा हुए, दूसरी पत्नी से राक्षस पैदा हुए, एक पत्नी से पेड़ पौधे पैदा हुए, एक पत्नी से नाग आदि पैदा हुए और एक बेटी से जीव जंतु पैदा हुए। केवल ब्रह्मा जी ने मात्र मनुष्य को प्रकट किया था, बाकी संसार में देवता, राक्षस, गंधर्व है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, ये किसी को भी ब्रह्मा जी ने पैदा नहीं किया। ये सब की सब कश्यप की संतान कहलाती है। लेकिन मनुष्य का शरीर मनु जी के अंश से पैदा हुआ, इसलिए हम सभी को मनुष्य कहते हैं। मनुष्य को कहते हैं क्योंकि हम सब की सब मनु की संतान है।